राजस्व प्रशासन एवं अन्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडे ने की। बैठक में जिलाधिकारी ने कर एवं करेत्तर देयों की वसूली की स्थिति की समीक्षा करते हुए तहसीलदारों से आवश्यक पूछताछ की। इस दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलदारों को लंबे समय से ठप पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ सहित सभी तहसीलदार मौजूद रहे। ये आपका संपूर्ण समाधान दिवस था, अभी मंगलवार को था। ये 56 डिफाल्टर हैं। देखो सुनी तरह जिलाधिकारी सन्दर समाधान दिवस आपका सदन में भी आपके 6 हैं, तहसीलदार कंपेयर में आपके 15 हैं समाधान दिवस। सुनी करो तहसीलदार कर दी ऑनलाइन संदर्भ 2 है डिफाल्टर, इसको सुन लीजिए। ये सब संख्या घटाइए, डिफाल्टर अधिक होने के कारण ये सब हुआ है। और इनके लिए फिर बाकी जो दूसरे विभाग से रिलेटेड है, एक एक दो है, इसको शून्य करवाइए। ऑनलाइन एस के एम सदर साहब, इसको कीजिए 11 डिफाल्टर है ऑनलाइन आपका। चौरी चौरा से है मारिया के प्रकरण है, पिछले दिसंबर महीने से शिकायत बाबू का क्या प्रकरण चौरी चौरा से है। इस मारिया के प्रकरण है, पिछले दिसंबर महीने पट्टे के यार अभी तो शुरू नहीं किया, तो कृषि प्रधान से कहाँ गया है, सदन से आ गया है अभी करने के पहले कोर्ट में उसको लेके एक बार उसको करा लो ना, तो को तो नौकरी दे दी इसके पहले से ही, लिटिगेशन से वो बचा सकते हैं, तो उसमें प्रोविजन उसका है। हाँ, स्वीकृति के पहले ऑब्जेक्शन पहले से इन्वाइट करके नहीं है बैठक में ही होना चाहिए था, पढ़ के सुनाना चाहिए था, वो बात तो है ही है, ये तो पता नहीं। ये भी बात तो थी, आवंटन का कब्जा भी देना, वो तो यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ काम है, काम में तो दूसरे का कटिंग के साथ कब्जा के लगते सब एक पार्सल किया है। लैंड बैंक इकट्ठा करने की बात करना, अब देखिए लैंड बैंक में आप लोग स्क्रीन ही 5-6 का तो जमीन तो निकल के दिए हैं, ग्राम समाज के कितने कहीं आ रहे हैं, इधर मिल रहा है, एक मिल रहा है, बट ये भी देख रहे हैं बूंदरी में कहीं नहीं किसी विभाग के नाम से भी ज्यादा चंक में जमीन दर्ज होता है कभी कभी, अभी कभी किसी समय आरक्षित रहा होगा फिर बूंदरी में हो जाता होगा। हमने तो हर जनपद में देखा है कहीं तो किसी पशुपालन के नाम से 200 हेक्टेयर है, कभी किसी मतलब एग्रीकल्चर विभाग के नाम होती है सर, किसी किसी नाम से यहाँ इसी जनपद में देख लें कहीं है तो फिर उसको हम लोग को बता दें। वो सारी खतौनी निकाल लें, पशुपालन विभाग के लिए 30 एकड़ जमीन चाहिए उसका वो बनने के लिए प्रशिक्षण, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल नहीं सर, वेटनरी कॉलेज, वेटनरी कॉलेज के लिए चाहिए, और चाहिए सब वाले जमीन मांग रहे हैं 70 एकड़, और तमाम डिमांड है यहाँ, मान लीजिए सर 500 हेक्टेयर का जमीन डिमांड है, वहाँ पे 30 थोड़ी जमीन, लेकिन वो बता रहे लो लाइन एरिया में नदी में है, बाकी किसी तहसील में सर इतना 70 एकड़ एक जगह
आप लोग भूमदरी भी देख लो एक बार चेक कर लें, एक वाले भी चेक कर लो, भूमदरी भी ले लेंगे। आप वो पैसा देखिए कि जहाँ पे बड़े बड़े काश्तकार हो जिससे कम डीलिंग करनी पड़े, आप उस तरीके के चेक ले जाए और आप उसके रोड हो तो वो खरीद भी ले। हर देश में यार आपको देखिए 20 एकड़ 20 एकड़ 25-50 एकड़ 100 एकड़ कम से कम 3 ब्रैकेट में जमीन चिन्हांकन करके मोटा मोटा रखो। भले ओनरशिप हमारा नहीं है, चलिए हो जाएगा नेगोशिएशन में, उसी देश में भी हो जाएगा। यहाँ तो देखिए वैभव नूडल्स वाली जमीन ढूंढ रहा, यहाँ एक ये आ रही है जो तो दानी का एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो भी तो हमसे जमीन मांग रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तर समिट में कितने लोग आए, सब लोग जमीन मांग रहे हैं, उसी की वजह निवेश नहीं हो पा रहा, सब लोग वापस चले जा रहे हैं। तो इन लोग सोलर प्लांट के लिए मांग रहे थे, हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं, ये है। तो मान लीजिए अब हमारा पास नहीं है, बट हम लोग फैसिलिटेटर तो काम कराना पड़ेगा उसका लेने में। आप पहले तो ये चिन्हांकन करो यार, यदि ग्राम गवर्नमेंट का हो जाए तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट का लैंड एक कैटेगरी हो जाएगा, वो तो मेरे पास भी आया है। और इसके अलावा किसी डिपार्टमेंट के पास चंक में लैंड है कहीं पड़ा है, वो दूसरे कैटेगरी में हो जाएगा। तीसरे घंटे में ऐसे हो जाएगा तो बड़े बड़े काश्तकार है, 4-5-10 लोग हैं, उन्हीं से लेने में हमें तो 20 एकड़ मिल जाएगा, 40 एकड़ मिल जाएगा। ऐसे लोग का ऐसे लोकेशन ढूंढ लो, ऐसे इच्छुक लोग को भी थोड़ा ढूंढ के रख लेना, ताकि वो उसी की वजह आप देखिए हर क्षेत्र में अभी एक ITI का जमीन चाहिए, हर ब्लॉक में हमें चाहिए, हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक का जमीन चाहिए, हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की जमीन चाहिए, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम का जमीन चाहिए। मतलब इतने तो मतलब हर ब्लॉक में चाहिए ही है, हमें तो ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा तो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए दूसरे डिपार्टमेंट को भी तो आ जा रहा है।